मंगलवार को रेवा गुजर के महाविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना के रेड क्रॉस सोसाइटी के खैरगोन ऑनलाइन क्लब के सहयोग से प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। संस्था के परिचर में श्रीमती वेबिनाक्षी ने भवासर ने बताया है कि रक्तदान शिविर में 450 से अधिक छात्र छात्राओं को पंजीयन हुआ है और वही पर तथा अभी तक भी 250 छात्र व छात्राओं रक्तदान करने चुके हैं। जेकर शिविर के शाम तक जारी रहेगा और हमने भी जीवन के रक्तदान करना चाहिए तथा युवाओं को भी रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। प्रदान करने से हमें भी किसी का जीवन बच सकता है। शिविर में नन्य सक्सेना व श्याम पटेल, अमित बडेकर व शुभम पागरे, धीरज सोगरे और अहम योगदान रहा है। लगभग 250 के अराउंड जो है ब्लड डोनेशन हुआ है। बहुत बड़ा दिन था, बाकी अभी 6 तारीख को वापस लगाने का कह रहे हैं, वो भी कन्फर्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी और लोग रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी का भी इसमें सहयोग रहा है, कोई कौन कौन शामिल हुआ है आपके विभाग से यहाँ पर? यहाँ पर लाइन क्लब वाले हैं और एनएसएस वाले स्टूडेंट हैं, उनका ही सबका योगदान रहा है, सबसे ज़्यादा प्रचार में सब। थैंक यू। देश युवाओं को अपने समाज और अपने परिवेश को अभी से क्या देना, इसको कार्यरूप में परिणित करने के लिए उनकी शक्ति सत्कार्य में लगे और जीवन किसी का भी बचे, इस तरह से हमारा उसमें योगदान रहे, इस भावना के लिए हम एनएसएस के माध्यम से रक्तदान को प्रोत्साहित कर रहे हैं। रक्तदान दिखने में या कहने में बहुत आसान लगता है, पर वास्तव में ये एक ऐसा पुण्य कार्य है जो किसी मरते हुए को अगर जीवन देगा तो उससे बढ़कर कोई कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में जब तक हमारी सांस है तब जीवन है, सांस खत्म होगी तो जीवन भी खत्म हो गया। तो जीवन को बनाए रखने के लिए युवा आगे आए, इस उद्देश्य से हमने एनएसएस के माध्यम से इस कार्य को संपन्न करने का बेड़ा हुआ। कुल कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ और अभी तक कितने लोग रक्तदान कर चुके हैं? लगभग 450 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 200 के करीब रक्तदान कर चुके हैं। हमें आज ऐसा लगता है कि इसके लिए फिर से आगे बढ़कर पूरे 450 लोगों से ये प्रक्रिया पूरी कराने के लिए फिर से कराना पड़ेगा। किन किन का सहयोग रहा? न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को